सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज है सैटरडे, कल है संडे, तो शायद आज हम काइट मेकिंग करें और संडे को उड़ाएँ, या फिर संडे को सुबह ही काइट मेकिंग करेंगे और शाम को फ्लाइंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, आज का जो मेरी वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ, कॉलेज जाने के लिए। अभी मैं कॉलेज जाऊँगा और फिर आके आपसे मिलूँगा और आपको बताऊँगा कि काइट उड़ी हुई है कि नहीं। संडे को तो वैसे ही उड़नी है। वो पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारी जो गली में एक बच्चा है ना, वो पतंग उड़ाते हुए गिरा है और उसकी डेथ हो गई है। तो इससे ना पुलिस ने ना सही उस काइट जो बेच रहा था ना, उसे अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए काइट अभी नहीं मिल रही, लेकिन लोगों के पास पड़ी हुई है पहले वाली। लेकिन हम तो खुद ही बनाते हैं, शाम को उड़ी तो हम तो उन्हें तोड़ानी है, क्योंकि हमारी जो खुद काइट मेकिंग है, अगर उड़ी तो फिर मैं वीडियो भी उसकी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो गाइस, आप इस देख सकते हैं कि आसमान में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई काइट भी नहीं उड़ा हुआ। और गाइस, मैं अपने सब्सक्राइब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी मैंने 28 तारीख को जाना है पेशावर और मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए लाऊंगा छोटा सा पीस, जो मैं अपने एक सब्सक्राइबर को दूंगा। शुक्रिया। और गाइस, मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर और भी हो जाएं और फिर काइट मेकिंग, काइट फ्लाइंग की हर वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा। अभी तो मैं 2 दिन बाद कर रहा हूँ ना, ऐसे रोज़ाना अपलोड होगी। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाली हमारे पास नलकी थी और उसके साथ की जो एक ब्लू थी, वो तो हमने बेच दी है ब्लू वाली, और ये जो है ना, इसके साथ की ब्लैक है, ये भी अभी काम धाग ही रह गए। अभी 28 तारीख को फिर मैंने जाना है। पहली वीडियो में मैंने बता भी दी है भाई, मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए लेके आऊँगा छोटी सी गोट। तो भाई, ये जो ये धागा है ना, ये बहुत ही अच्छा धागा है। तो गाइस, जैसे ही मैं स्कूल से आया हूँ तो एक काइट उड़ चुकी थी, रेड कलर की है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ एक ही उड़ी हुई है। तो गाइस, आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये उड़ी हुई है रेड कलर की काइट, अभी बिल्कुल नीचे नीचे उड़ रही है। ओए, गिर गई, ओ गिर गई है, गिर गई है गाइस। तो गाइस, वो जो काइट है ना, वो ये जा अटकी है दरख्त के अंदर, वो गई। इस वक्त उनकी काइट आ चुकी है, बस ये काइट भी उतर गई है और कोई काइट भी नहीं उड़ी। शाम को फिर मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि उड़ी हुई है। वो देखो गाइस, टूट चुका है इस वक्त उसका धागा। तो गाइस, आज है संडे और फिर से हम करने लगे काइट मेकिंग। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ना पहले छुप के 3 गुडे बना लिए हैं, अपने भाई को नहीं बताया, वो बाहर गया है। मैंने जल्दी जल्दी रेड कलर के 3 गुडे बना लिए हैं। वो आया, मैंने कहा है भाई मैंने काइट नहीं बनाए, तभी वो एक बड़ा काइट बना रहा है। वो फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा इस वीडियो में, और इस व्लॉग को एंड तक देखना है। शुक्रिया। आज है संडे और बहुत सी काइट उड़ने वाली हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। तो गाइस, आप इस बार देख सकते हैं मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी सी बैम्बू स्टिक पड़ी हुई है, ये बिल्कुल लंगोल काम है ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी वो बनाने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसका 1.5 तावा गुड़ा पानी जाएगा। तो गाइस, आप इस वक्त देख सकते हैं कि आपके सामने एक रेड कलर की काइट पड़ी हुई है।
ये बिल्कुल फुल होममेड है, और ये पीस। तो वैसे अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं इस वक्त। इस धागा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके चक्के ना वो नीचे पड़े हुए हैं। ये तो वही वेपर उतर चुका है इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं। ओए होए होए गाइस, बड़ा अच्छा धागा निकला है। अभी से उड़ाते हैं, काइट तो नहीं उड़ी हुई, हवा भी इतनी नहीं। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा इसमें से धागा ले लेते हैं और इसमें कलामे डालते हैं। अभी फ़िलहाल काइट तो नहीं उड़ी हुई, शायद मेरे ख्याल में आज हवा ही नहीं चलने वाली। अगर हवा ना चली तो यहीं एंड कर देंगे, बस एक ही इतवार होती है और उसमें भी हवा नहीं चलती, तो इसे भी धागा ले लेते हैं। ये धागा टूट चुका है इस वक्त, अभी मैं इसकी कलामे डालूँ ना, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी इसमें कलामे डाल चुकी हैं, अभी मैं इस चरखी से बांधता हूँ और सामने एक काइट भी उड़ चुकी है। अभी मैं इसे पेचा लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस वक्त मेरी काइट उड़ चुकी है, और वो जो सामने वाली काइट थी ना, वो कि ये दरख्त में अटक चुकी है अभी। अभी उड़े तो मैं उसके साथ पेचा लगाता हूँ। तो गाय दोनों ने ना फिर काइट उड़ा दी है ये नीचे। तो गाय दोनों की काइट इस वक्त कट चुकी है, वो जा रही है टैंकी के। तो गाय उनकी काइट मैंने काट दी थी, वो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा दिया, बिल्कुल गिर गई थी मेरे कैमरे ओपन करने तक ना, वो बिल्कुल टैंकी के साथ ही जा रही थी। तो इन्हें नीचे छापर की उड़ी है, वहाँ फिर उसे पेचा लगाते हैं, वो उन्होंने और भी उड़ा दी है वो। तो गाइस अभी मुझे ना ज़रूरी काम पड़ गया, इसलिए भी मैं जा रहा हूँ। हवा भी बिल्कुल इतने मज़े की नहीं है, वो बच्चों ने मोमियाँ उड़ाई हुई हैं, उसी से पेचा लगा रहे हैं। अभी मैं अपने पिता को उतार रहा हूँ और जा रहा हूँ, काम पड़ गया इसलिए आज हम इतवार को काइट फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे।